साथियों, ओबीसी महासभा ने जो भी लिखा है, इस चीज को हमारे बहुजन समाज को जरूर सुनना चाहिए, और साथ ही जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको अवश्य सुनना चाहिए, मीडिया भाई बंधु को जरूर सुनना चाहिए। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और साथ ही वहीं आपको बता दें, लक्ष्मण यादव ने आखिर युवा साथियों से क्या कुछ अपील किया है, वो जरूर सुनना चाहिए, और इस अपील से हमारे जितने भी बहुजन साथी हैं उनको जागरूक होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण ने बहन कुमारी मायावती को लेकर उत्तराधिकारी आकाश आनंद को आखिर क्या कुछ कह डाला है, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो, कई बड़ी खबरों पर बातें करेंगे। साथ ही वहीं पे लक्ष्मण यादव ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से लिखा, हमारी टीम ने मिलकर यह ज्ञापन तैयार किया है, देश भर के सभी जागरूक नागरिकों से हम यह अपील करते हैं कि आप सभी ज्ञापन को अपने संगठन या व्यक्तिगत संस्थान के नाम से अपने अपने जिले में जिलाधिकारियों को सौंपे, जिससे यह महामहिम देश में कोने कोने पहुँच सके। यह एक शिक्षा क्रांति आगाज है के जैसा हो सकता है। यह भारत की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कलम किताब और हिफाजत में एक बड़े जन आंदोलन का आगाज कर सकें। अगर आप सभी सहमत हों तो सोमवार दिनांक 18 सितंबर को देश भर में यह ज्ञापन सौंपें और शिक्षा क्रांति जुलूस निकालें, कलम किताब लेकर सड़क को गुलजार करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। ज्ञापन ये है, प्रीति महामहिम राष्ट्रीय महोदय, भारत गणराज्य विषय उच्च शिक्षा खतरे और अनिपूर्ण भेदभाव के खिलाफ ज्ञापन। ये लिखा है लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, जो कि जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको प्रोफेसर पद से हटा दिया गया है और वो इस समय जन आंदोलन में लगे हुए हैं। और साथ ही वहीं आपको बता दें, ओबीसी महासभा ने लिखा, मुख्यमंत्री के बंगले में बैठकर आतंकवादी मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद कह रहा था, भू माफिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, गुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जब उज्जैन की लोकल मीडिया ने मुख्यमंत्री के सामने सवाल किया कि बाबा अभी तो दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी को गली का गुंडा माफिया बता रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो तुरंत कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, मुख्यमंत्री जी तुरंत उठकर चले गए, इसी को मीडिया कहा गया है, मुंह पर लात मार दिया, थूक कर चटवाया। तो कहीं ना कहीं इस लोकल मीडिया ने बाबा का पोल खोल दिया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी पोल खोल दिया। और ऐसे ही मीडिया अगर हमारे देश में होंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। और जितने भी ये गोती मीडिया हैं, अगर ये गोती मीडिया कुछ 1% भी अगर ऐसी चीज़ें दिखाएंगी तो हमारा देश बहुत ज़्यादा संभल जाएगा। तो आप सभी का इन चीज़ों के बारे में क्या आपको सोचना है, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। और साथ ही वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट करके लिखा कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। रावण ने लिखा, मान्यवर काशीराम जी ने जब इस पार्टी को न्यो 14 अप्रैल 1984 रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार रिश्ते नाते की राजनीति दूर रखना होगा। इस प्रकार में भी मान्यवर काशीराम जी के जीवन का प्रेरणा लेकर फैसला लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगी और राजनीति करती रहूँगी तब तक मैं रिश्ते नाते भाई बहन को राजनीति से दूर रखूंगी, बहन कुमारी मायावती ने। साथियों, ये चंद्रशेखर रावण ने मायावती का पुराना वीडियो शेयर करते हुए और ये जो वीडियो में था हूबहू उसी को लिख दिया है। तो ये जो लिखा है चंद्रशेखर रावण ने, तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। चंद्रशेखर रावण का भी एक बयान देख लीजिए, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं राजनीति के लिए सही नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊँगा, तो आखिर आपने क्यों पार्टी बनाई। और वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण जिस तरह से इस बयान को ऊपर बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा भी जा सकता है कि 2024 में चंद्रशेखर रावण का और बीजेपी का गठबंधन होना नामुमकिन है। और वहीं साथियों आपको बता दें, जिस प्रकार मायावती को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो मायावती ने आपको बता दें, इससे पहले कई पार्टी नेताओं पर भरोसा किया, मगर जितने भी पार्टी नेताओं का मायावती ने भरोसा किया वो सारे नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया और खुद ब खुद उर्रम खां बनने लगे। तो मायावती ने जो ये फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं सही ही लिया है। और आपको इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में।